वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। देश में विकास की रफ्तार कितनी तेज है ये जानना है तो एक बार यूपी घुमाइए, क्योंकि यहाँ जिंदा तो जिंदा मुर्दों को भी अब वैक्सीन लगने लगी है। बाकायदा फोन पर संदेश भी आता है कि मुबारक हो, आपको वैक्सीन की दो डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब कब्र से खड़े होकर गड़े मुर्दे भी बोल उठेंगे कि हम कोरोना से सेफ हैं। जी हाँ, देश में एक तरफ जहां रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है तो वहीं इन दावों की पोल स्वास्थ्य महकमे ने खोल दी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि खबर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद सिद्धार्थनगर से सामने आई है, जहां 4 महीने पहले जून में मर चुके व्यक्ति को दूसरा डोज लगा दिया गया। लोटन सीएससी के अंतर्गत इस तरह के 2 मामले सामने आए हैं, जिससे प्रमाणित हो रहा है कि टीकाकरण की फीडिंग में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लोटन क्षेत्र में एक व्यक्ति के मोबाइल फोन में आए संदेश से, जिसमें वृद्ध को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का जिक्र है, जो कि स्वर्ग सिधार चुके हैं। ये हमारे नाना हैं जो जिनको कोरोना की पहली डोज 4 अप्रैल को दी गई और उनकी मृत्यु करीब 1 महीने बाद जून में हो जाती है, 10 जून को। और फिर उनके मृत्यु के बाद मैं चकित रह गया कि जब हमारे मोबाइल पे मैसेज आता कि इनको कोविड की जो है दूसरी डोज भी दे दी गई। कब मैसेज आया आपके पास? 16 नवंबर को जी। और मैं चकित रह गया। उसके बाद जो है हमने इसको मैसेज देखा, फिर कई अपने करीबी लोगों को बताया और ऐसी घटनाएं ये कई हो चुकी हैं। परिजनों का कहना है कि सत्यनारायण सिंह का निधन 10 जून को हो गया। 3 जुलाई को उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। इसके बाद उनके नाती अंकुर सिंह के मोबाइल फोन पर 16 नवंबर को मैसेज आया कि सत्यनारायण सिंह को कोविशील्ड की दूसरी डोज लगा दी गई। ये संदेश देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसे में परिजन भी अब सवाल उठा रहे हैं। इस सब अफसोस की बात है कि वो मर चुके 4 महीने के बाद भी टीका लग कर अब मैसेज आया है कि टीका लग चुका। ऐसा ही लापरवाही हो तो चली जाएगी तो संसार में बहुत नुकसान होगा हम लोग। परिजनों का सवाल भी जायज है और इन्हीं सवालों का जवाब जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा गया तो सुनिए उनका क्या कहना है। हाँ, ये मेरे संज्ञान में आया और इस पर मैं इंक्वायरी आदेश कर दिया हूँ और जो भी इसमें दोषी है उस पर हम कार्रवाई करें। कहीं ऐसा टेक्निकल फॉल्ट से या किससे हुआ ये देख कर जो भी उचित होगा मैं इसमें। अब गलती चाहे किसी की हो पर मुर्दों को वैक्सीन लगाने वाली बात तो किसी को भी हजम नहीं होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।